व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ मैग्नेट इट इज, फ्रिज मैग्नेट, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और फिनिश आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, ग्लॉसी फिनिश है एकदम। और फ्रिज पे जब हम इसको लगाएंगे तो इट्स गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ लेजर इंग्रेविंग। इस एपिसोड में हम वुडन MDF फ्रिज मैग्नेट बनाना सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें कुछ जो मटेरियल चाहिए वुडन MDF बनाने के लिए, हमें चाहिए होगी एक सब्लिमेशन MDF शीट। ये आपकी जो सब्लिमेशन MDF शीट है, ये मैं 3mm की यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से 3mm इज़ गुड इनफ। इसमें एक साइड प्रिंटेबल है और सब्लिमेशन प्रिंटिंग है। इस शीट का साइज़ जो है वो 4 feet by 4 feet में आता है। आप 4 feet by 4 feet की शीट भी ले सकते हैं मार्केट से, या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कटिंग की शीट ले सकते हैं। मैं 4 by 4 शीट्स लेके अपनी वर्कशॉप में इसको 12 by 18 में कट करके अपनी लेज़र मशीन के अकॉर्डिंगली उसका साइज़ बना के मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर हम फ्रिज मैग्नेट्स काटेंगे, उसके बाद हम उन फ्रिज मैग्नेट्स के ऊपर सब्लिमेशन प्रिंटिंग करने के लिए सब्लिमेशन एप्सन L1800 प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम सब्लिमेशन पेपर पे प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंट करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी बेस है, मैग्नेटिक बेस हम कैसे लगाते हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाए कि आप ब्यूटीफुल फ्रिज मैग्नेट्स कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कोरल ओपन कर लेता हूँ। कोरल में मैंने अपना कैनवस ओपन कर लिया है, रेक्टेंगल टूल ले लिया। अब मैग्नेट्स जिस शेप की चाहिए मैं यहाँ पर बॉक्सेस बना लेता हूँ। एज यूजल आई एम कन्वर्टिंग द यूनिट्स टू सेंटीमीटर्स और 6 by 6 centimeter ले लेता हूँ स्क्वायर में, ठीक है। और हेयर लाइन कर देता हूँ, कट करना है मुझे इसको। कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं 0.5, हाँ दिस इज़ गुड इनफ, राउंड हो गया है चारों। ये लॉक बना हुआ था यहाँ पे, तो ये चारों ये राउंड हो गया, अच्छा लग रहा साइज़। एक साइज़ और बना लेते हैं हम रेक्टेंगुलर, इसको कर लेते हैं सपोज 9 by 6.5 कर लेता हूँ, राइट। एंड इसके कॉर्नर्स भी यहाँ से मैं राउंड कर लेता हूँ। ओके, ये दो साइजेस मेरे तैयार हो गए हैं। तो मैं अब इसको यहाँ पे कुछ पीसेस में एंग्रेव कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ सॉरी। एंड ये भी ले लिया मैंने यहाँ पे, और ये एक और ले लिया। नाउ लेट्स कट दिस। लेज़र को कमांड देते हैं वेक्टर एंड स्पीड कर लेता हूँ मैं 8 power 100, ऑटो फोकस ऑन, ओके, सिलेक्शन अप्लाई, प्रिंट प्रीव्यू। एंड अब चलते हैं लेज़र पे और इसको कट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये पीसेस कट कर लिए हैं लेज़र से। ये आप देख सकते हैं कि 4 magnet हमने कट किए थे। तो हम अब क्या करेंगे कि इस पे प्रिंटिंग के लिए अपनी फ़ाइल रेडी कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ फ़ोटोशॉप में मैंने इमेजेस ओपन की हुई हैं। ओके, तो 1:1 रेशियो में मैं पहले क्रॉपिंग कर लेता हूँ कौन सा मैग्नेट लूँगा। लेट्स टेक दिस इन 1:1। ओके, ये 1:1 में ले लिया। और इसका साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ 300 dpi एंड 6.3 रख लेते हैं, थोड़ा सा रन आउट नहीं हो। ओके, ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट जो है ये मैं ले लेता हूँ 9.7 by 9 है ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ 9.3 by 6.7।
थोड़ा सा बड़ा रखा है जो मेरा साइज़ है। ये लद्दाख में मैंने पिक्चर शूट की थी, ये इंडस और जंस्कार का कॉन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं 300 DPI पे, 9.3। लेट्स टेक दिस वन, A4 साइज ले लेते हैं हम। शीट का साइज 21x29.7 एंड पेस्ट कर दिया इधर। प्रिंट कमांड दे देते हैं अब हम एप्सन के ऊपर। लेट्स टेक L1800, प्रिंटर मैनेज कलर्स, प्रिंट सेटिंग्स, A4, यहाँ से ले लेते हैं एप्सन मैट, बेस्ट क्वालिटी एंड मिरर इमेज हम प्रिंट करेंगे क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करना है अपने सब्लिमेशन शीट पे। प्रिंट कमांड दे देते हैं एंड लेट्स गो टू आवर प्रिंटर। एस रेस का मैं फेलिक्स कॉलर का पेपर है ये यूज़ कर रहा हूँ, सब्लिमेशन पेपर 120 GSM का। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मुझे इससे मिलता है। L1800 प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ मैं एप्सन का सब्लिमेशन इंक के साथ में। तो इस पे प्रिंट करते हैं हम, मिरर इमेज में प्रिंट कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब मैं ये जो मेरा सब्लिमेशन प्रिंट यहाँ से आया है इसको मैं कट कर लेता हूँ। और ये एक सब्लिमेशन शीट के ऊपर मेरी एक फ़िल्म लगी हुई है, इस फिल्म को मैं पील ऑफ कर लेता हूँ और इसको पेपर इसके ऊपर रख के मैं इसको साइड से डबल हीट टेप से स्टिक कर देता हूँ। मशीन अपनी ऑन कर लेते हैं। 180 डिग्रीज़ मैंने इसका टेम्परेचर रखा है और जब तक मेरा इस मशीन का टेम्परेचर बनता है तब तक हम अपना मैग्नेटिक रोल जो है वो, उसकी मैग्नेटिक जो पीछे शीट है वो कट कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक रोल है, इट्स वेरी हैवी, बहुत हैवी है। इसका वेट जो है मेरे को लगता है इस टाइम 30-40 kg इसका वेट होगा। और इसमें एक साइड जो होती है वो हमारी मैग्नेटिक होती है, तो मैं आपको स्केल टच करके दिखा देता हूँ। आप देखिए ये साइड मेरी मैग्नेटिक है, इसके साथ में चिपक रहा है। तो दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसके डबल टेप लगाएंगे। तो ये 12 इंचेस का मेरा रोल है, 12.5 इंचेस का मेरा रोल है, मैग्नेटिक रोल। और इसको मैं इस तरीके से खोल लेता हूँ यहाँ पर एंड डबल टेप को पकड़ के यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ इसके साथ। और रोल को थोड़ा सा मैं पीछे ओपन करना स्टार्ट करूँगा और ये पूरा हो गया। और मैं लास्ट में इसको कट कर देता हूँ ब्लेड के साथ में। एंड ये सीज़र लेके मैं यहाँ से पूरा इसको मैग्नेटिक शीट को कट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक शीट है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में आती है, 0.5 में आती है, एमएम में, 0.7 एमएम में। मैं इस टाइम 0.7 mm यूज़ कर रहा हूँ, आप 0.5 mm भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये कट हो गया है। अब इसकी जो विड्थ है ये आप देख रहे हैं कि ये 24 इंचेस है। तो मेरी मशीन 12x18 की है, एक साइड से तो मैंने 12 इंचेस ही लिया, 12.5 इंचेस है। तो दूसरी साइड से मैं इसको 18 इंचेस पे कट कर देता हूँ, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी मेरा यूज़ हो ही जाएगा। अब हम रेडी करेंगे फाइल, कटिंग फाइल अपनी मैग्नेटिक शीट के लिए। तो ये कुछ मैग्नेट्स हमने रेडी किए थे तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैग्नेट के पीछे जो है हमारी ये इसके पीछे हमारी शीट लगनी है। तो थोड़ा सा हम 2-2 mm यहाँ से छोटा रखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 9.5 है, तो इसको यहाँ लॉक ऑन कर देता हूँ एंड लेट इट बी 8.5 mm विड्थ इसकी कर देते हैं। 2.5 mm दोनों तरफ से कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, ये भी हो गया। और इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, इसको भी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे 6 की जगह आई विल कीप 5.5, दैट इज़ गुड इनफ।
एंड ठीक है, तो ये मेरी मैग्नेटिक बैक शीट के लिए मैंने ये फाइल अपनी रेडी कर दी है, और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कमांड देते हैं। इसके लिए मैं स्पीड रख देता हूँ 15। ओके, ऑटो फोकस बंद कर दूंगा, सॉरी, स्पीड 15, ऑटो फोकस बंद कर देते हैं। ओके, अप्लाई प्रिंट प्रीव्यू, एंड अब चलते हैं मशीन पे और देखते हैं ये कैसे कट होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा मैग्नेट रेडी हो गया है, और इस मैग्नेट के पीछे मैंने इसको स्टिक करना है। तो ये जैसे मेरे ये पीछे मैग्नेटिक शीट कट होके आ गई है, तो आई विल जस्ट पील इट ऑफ जो पीछे डबल टेप है, और ये मैग्नेट यहाँ रख के मैग्नेट के ऊपर मैं अच्छे से स्टिक कर दूँगा। तो आप ये देखिए मेरा मैग्नेट रेडी हो गया है। What a beautiful piece of magnet it is, fridge magnet, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और फिनिश आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है, ग्लॉसी फिनिश है एकदम, और फ्रिज पे जब हम इसको लगाएंगे तो इट्स गोइंग टू लुक सो ब्यूटीफुल, और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में आप क्रिएट कर सकते हैं, मैंने अभी दो साइजेस क्रिएट किए हैं। आज हमने फ्रिज मैग्नेट्स तैयार किए, सब्लिमेशन शीट यूज़ की, सब्लिमेशन प्रिंटिंग की, लेज़र मशीन यूज़ की, और आपने देखा हमने किस तरीके से मैग्नेटिक शीट को पीछे मैग्नेट के स्टिक किया। तो आप भी इस तरीके से कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स रेडी कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।